अच्छा देखिए आज हमने क्या बनाया है, आज हमने आलू बैंगन की रेसिपी है ये हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने आधा किलो आलू लिए हैं, आधा किलो बैंगन लिए हैं और दो अदद जो है हमने प्याज लिए, दो भी अदद हमने टमाटर लिए, टमाटर प्याज और दो से तीन हरी मिर्चें हमने पीस ली। पीसने के बाद हमने दो चमचे तेल डाला, उसके अंदर अजवाइन, कलौंजी, मेथी, इन तीनों चीज़ों को कूट लिया चुटकी चुटकी भर और तेल में हमने कड़कड़ा लिया। जब वो हो गया तो हमने पिसी हुई प्याज, टमाटर और मिर्चें वो डाल के हमने भून लिया। जब वो भून लिया मतलब डाल लिया हमने वो पेस्ट और उसके साथ हमने तमाम मसाले डाले। मसालों के अंदर हमने लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, अजवाइन, नमक, चाट मसाला, तमाम चीज़ें हंस के ज़रूरत आप ले लें वो भी डाल दें उसी प्यूरी के अंदर और उसको जो प्यूरी को थोड़ा सा पका लें। पकाने के बाद हमने आलू डाल दिए, जब आलू हमारे गल गए तो हमने बैंगन डाल दिए। अच्छा दो चमचे हमने इमली का पल्प लिया है, हम साथ में वो भी ऐड कर देंगे, दम पे लगा देंगे और इसी दम पे और इस जो बाकी हमारी प्यूरी बची है इसी में हमारे जो बैंगन है वो गल जाएंगे। मिर्च पर डाल दिए, बस अब हम इसे दम लगा देंगे इतना कि हमारे जो है बैंगन गल जाए। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे आलू बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, बस ये तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।